नहीं देखो, तेलुगु टीम अच्छी टीम है, सारे उसमें बढ़िया खिलाड़ी है उसमें भी, लेकिन अपनी टीम भी ठीक थी जो आज जैसा डिफेंस ओपन दोनों अच्छे खेले, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा उनका बिल्कुल वन साइड होगा। ये तो तेलुगु टीम बढ़िया थी, अगर वो अपना यूपी होता जो डिफेंस जो काम करना चाहिए वो आज किया। वही था, तो आपकी गलती नहीं करनी है हमें, जो प्लानिंग से हम आए थे कि अंदर आएंगे तो मारना है, छोड़ना नहीं, अवॉइड नहीं करना है, हमने अवॉइड नहीं किया बिल्कुल और रुक के खेले आज भी। इतना वन साइड होने की आपको उम्मीद क्या? नहीं देखो, टीम अच्छी है, वो ये पहले नहीं सोच के थे वन साइड खेले, हम ये था कि हमें एक अच्छा मैच खेलना है और रुक के खेलना डिफेंस के साथ, वो तो भी सिचुएशन के हिसाब से रेडर भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो डिफेंस भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। पहले से चल नहीं थे स्टार्टिंग से उनका लुईस स्कोर था, बड़ी तो वही था, पर हम ये सोच थोड़े आए थे हम फिर वन साइड होगा, हम ये था कि अच्छा मैच खेलना है, वो सिचुएशन के हिसाब से रेडर भी हमारा बहुत अच्छा कर रहे थे प्रदीप और सुरेंद्र गिल, और डिफेंस भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, इस वजह से मैच वन साइड हो गया। यही रहेगी, एक एक मैच को हम लेके चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिफेंस खेल रहा हूँ। क्या जीत तो एक ही हुई है ना? नहीं, चार जीत हमारी। यही रहेगा कि डिफेंस हमारा जो एक्चुअल में खेलता है डिफेंस, जैसे हमारी मजबूती है डिफेंस की, तो वैसे ही हम खेल लेंगे जैसे आज खेल रहे हैं हम, और राइडर हमारे कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम आगे भी एक एक मैच लेके चलेंगे बिल्कुल। सर, इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जब रहता है तो ये आगे प्लेऑफ्स के पोजीशंस भी देखे जाएंगे अभी यहां से, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस? ये बहुत अहमियत रखता है आगे चल के, क्योंकि काफ़ी टीम आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर बराबर स्कोर चल रहा है, तो उसमें लास्ट में फिर यही चीज़ काम आएगी उस टाइम। सर फिटनेस तो जरूरी है, फिटनेस पर सभी काम कर रहे हैं, फिटनेस तो लंबा सीजन है, तीन ढाई महीने का सीजन है, तो फिटनेस तो रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। रेडर्स का गेम माना जाता है, पर आपके टीम में ऐसा लग रहा है कि रेडिंग का कंटिन्यूटी नहीं, रेडर्स पॉइंट्स नहीं ले पा रहे, क्या उसी के वजह से आप हार रहे हैं? नहीं नहीं, आज तो रेडर्स तो ठीक खेला है, हमारा एक विशाल भरद्वाज तो फेल्यूर हुआ, वो पाँच कैच तो ऐसे कर दिया, फर्स्ट हाफ में तो 15 मिनट्स तक हमारा अच्छा था, 9-10 ऐसे चल रहा था, वो लास्ट फर्स्ट हाफ में लास्ट 4 मिनट्स में तो प्लेंटी लोन चला गया था, वही मेन डिफेंस और थोड़ा डिफेंस ठीक नहीं हुआ था, बस रेडर्स तो ठीक ही था, कोई बात नहीं रेडर्स का, ऑफ टाइम के बाद में ज़्यादा सा डिफेंस में लॉस हुआ था टीम, बस मोनो टीम में जब मतलब खासकर हम डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, बट ऐसे हुआ है तेलुगु नेशन सीजन में कि हर एक मैच में चेंजेस होते रहते हैं रेडिंग यूनिट में, तो ये क्या ये भी असर पड़ रहा है टीम पे कि रेडिंग का कॉम्बिनेशन मैनेज कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो कंटिन्यू अगर प्लेयर्स खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है उनको भी, तो बार बार चेंजमेंट में मतलब डिस्टर्ब तो होते हैं रेडर्स, क्योंकि रेडर्स का ऐसा गेम होता है भाई, आप कंटिन्यू खेल रहे हो या कंटिन्यू अंदर रह रहे हो तो आप फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकंड हाफ में आप करोगे, क्योंकि रेडर्स का ऐसे नहीं है कि भाई आप लास्ट में 5 मिनट में भी अगर रेडर्स पॉइंट लगा के दे देता है तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, लेकिन आज के मैच में रेडर्स फर्स्ट में तीनों चल रहे थे, हम जो भी अंदर खेल रहे थे पॉइंट टच पॉइंट आ रहे थे, प्रेशर था, लेकिन थोड़ा हमारा डिफेंस ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, विशाल ने आज थोड़ा अग्रेसिव खेला और भी मतलब भाग भाग के मारने लग गए थे, ऐसा ना था कि मतलब आप मैच देखोगे तो ऐसा नहीं था कि भी रेडर टच करके गए हों, आप भी उठा मैच मतलब ये था कि थोड़ा डिफेंस अग्रेसिव हो गया हमारा, लेकिन रेडिंग में काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, क्योंकि तीनों रेडर जो भी अंदर खेल रहे थे तीनों पे स्कोर आ रहा था। ऐसे टाइम पे मोहित पहल का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, बिकॉज वो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट हुए थे, उन्हें 4 टैकल पॉइंट्स लगे लेफ्ट फॉर, तो वो कितना बड़ा पॉजिटिव होता है? काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक यंग प्लेयर है, वो फर्स्ट टाइम लीग में आया है और जूनियर्स में खेला पहले वो, और अभी वो अंदर आने के बाद इतना अच्छा कर रहा है तो टीम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि भाई अगर मैन कॉर्नर नहीं चलते हैं तो सेकंड कॉर्नर हमारे इतने अच्छे कर रहे हैं तो हमारा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बस बढ़ता है और उनको मौका देने की अगले मैच में सोचते हैं। सीनियर
एक जीत, तो एक जीत के बाद तब मैं तेलुगु की टीम आपकी टीम कोई मोमेंटम मिल सकता है, आपस में क्या बात होती है आप सबके सीनियर प्लेयर्स को लेकर? तो भाई अगर कि एक जीत चाहिए वापस मोमेंटम बना लेंगे, एक जीत वो एक जीत कोई टारगेट कर रहे हो किसी टीम को आगे आने वाले मैचों में, इस टीम बहुत अच्छी टीम है बहुत बीच वाली टीम है, कोई एक जीत को लेकर कोई बातचीत होती है खिलाड़ियों में? हाँ बिल्कुल, हर मैच में लेके होती है, लेकिन थोड़ा सा टीम का मोमेंट नहीं बन रहा, रेडर्स चल रहे हैं तो डिफेंस पे नहीं हो रहा, डिफेंस चल रहा है तो रेडर वीक पड़ रहे हैं, तो मतलब एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हाँ बन नहीं रहा जो हम सोच रहे हैं, लेकिन हाँ जीत मिलती है तो कॉन्फिडेंस ज़रूर आता टीम को, कोई भी टीम होगी। हमारा ये था कि भाई इस मैच में भी पिछले में भी हमारा पूरा वो था, और जिसमें ऐसा नहीं कि भाई चलो लास्ट में हाफ टाइम के बाद मैच थोड़ा ज़्यादा स्कोर हो गया, लेकिन हाफ टाइम तक टीम अच्छा खेलती है, लेकिन हम भी इसी उसमें भाई एक जीत मिले तो और कॉन्फिडेंस आएगा, और यही है कि भाई देखो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप किसी टीम को बोला नहीं कि भाई इस टीम पर लक्ष्य है कि एक जीत? नहीं नहीं, देखो एक टीम का बिल्कुल भी नहीं है, हमारा यही टारगेट रहेगा कोई भी किसी के भी साथ मैच हो, सभी टीमें अच्छा कर रही हैं, सभी टीमें अच्छी हैं, तो एक टीम को हम ऐसे नहीं टारगेट कर सकते कि भाई ये इससे हम जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा जब हम ये सोच के आते हैं कि ये हल्की टीम है वो अच्छा खेल जाती है, जो अच्छी टीम है वो बेकार खेल जाती है, तो हमारा कोई एक पे टारगेट नहीं है, हमारा अगला मैच जिसके साथ होगा हमारा उसी पे टारगेट रहेगा, जिसके साथ हमारा मैच होगा उसी के साथ हमारा टारगेट रहेगा कि भाई हम इससे जीते। सर अगला मैच न्यू मुंबई अगेंस्ट है एंड आपकी टीम में अभिषेक सिंह है, सिद्धार्थ देसाई है, मोहसिन है, जो तीनों पहले भी मुंबई में खेल चुके हैं, तो उसका क्या एडवांटेज होता है आपको, उसका कोई स्पेसिफिक एडवांटेज होता है? वो तो वो पहले का वो तो, लेकिन अभी चेंज करेगा वो, टीम के हिसाब से हम प्लान करेगा किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना राइडर्स को, वो हम आपस में डिस्कस करके खेलेगा, एडवांस नहीं बोल सकते ना इसको खिलाएंगे इसको